भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा जरूर देख लेना। सबसे पहले आपको बता दें, एक खबर आ रही है, बहन ने पूछा है, नमस्ते सुधांशु भैया, मैं अंजलि सिंह कुशीनगर जिले के पडरौना ब्लॉक से हूं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं। मेरा नवंबर माह से राज्य सरकार का पैसा नहीं आया है, हम लोगों के खाते में कोई गड़बड़ी भी नहीं है, या राज्य सरकार पैसा नहीं देना चाहती है क्या? तो ये कुछ जानकारी है जो वो चाहती है, कह रही है कि कृपया चैनल पर दिखाइए। तो राज्य सरकार पैसा देना चाहती है कि नहीं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। आपका PLI यानी अतिरिक्त मानदेय स्वरूप पैसे बराबर आ रहे हैं, हो सकता हो कि राज्य सरकार का जो 1000 आ रहा था उसी में जोड़ करके आपका अब अतिरिक्त मानदेय लिख करके अब दिया जा रहा होगा, जो आपका प्रोत्साहन PLI है, क्योंकि इतने महीने से बराबर पैसे आ रहे हैं और PLI के भी आ रहे हैं जो राज्य सरकार के हैं, लेकिन अब जो है वो वाले 1000 स्वरूप जो आया करते थे वो नहीं आ रहे। तो इससे आभास यही होता है कि सरकार ने जो 1000 देने के लिए पहले कहा था वो पैसा आपके PLI में शायद मर्ज हुआ है। अभी इस खबर की हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि इसके बारे में कोई साक्ष्य या प्रमाण सरकारी लेटर स्वरूप नहीं है। आगे कोई भी जानकारी इस संबंध में आएगी सरकार के पिछले वाले 1000 रुपए के बारे में तो चैनल पर जरूर बताया जाएगा। अभी फिलहाल आप ये मान के चलिए कि केंद्र सरकार के 4500 रुपए के साथ में जो पैसा आता है वो अतिरिक्त मानदेय लिख करके आता है और वो पिछली बार आपने देखा 2000 अभी आया। इधर बात करते हैं, सुधांशु भैया नमस्ते, मैं श्याममणि मंझनपुर कौशाम्बी शहर इस्लम, मेरा 1 साल से भवन किराया नहीं आया है। अब आप बताओ, जैसे और भी बहनें होंगी जिनका 1-1 साल से भवन किराया नहीं आ रहा होगा, तो ये अपना ऑफिस में आज पूछी है तो ऑफिस में बोले हैं कि जो है ना आया है ना आएगा। बताओ, इस तरह से ऑफिस वाले अगर किसी बहन को कहते हैं तो कितना मानसिक दबाव आंगनबाड़ी बहन को हो जाता होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो। इनका कहना है, मैं 1000 रुपया भवन किराया दे रही हूं, आप ही बताएं मैं क्या करूं। अब 1000 रुपया दे रही है महीना, अब साल के 12000 रुपए इनके इसी में चले गए हैं और भवन किराया अभी नहीं आया। ऑफिस में पूछा तो कह रहे हैं कि ना आया है ना आएगा। ये किस तरीके से लैंग्वेज यूज हो रही, विभाग की तरफ से शोषण हो रहा है आंगनबाड़ी वर्कर बहनों का। आपको इस संबंध में अपने जिले के DM के पास जाकर के शिकायत करनी चाहिए और भवन किराए की मांग करनी चाहिए। वित्तीय वर्ष भी बदल गया है, पैसे के बारे में आपको मांग करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप अपने वहां DM कार्यालय जाएंगी जिलाधिकारी के पास और वहां पर अपनी समस्या के लिए एप्लीकेशन देंगी, और जब जब ना सुना जाए तब तक बार बार एप्लीकेशन दीजिए। वहीं पर एक और मैसेज है, इनका कहना, सुधांशु भाई नमस्कार, मैं रामपुर से, और क्या न्यू पोस्टिंग जो होनी थी उनका क्या होगा, क्या दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे, बताएं। तो जो नई भर्तियां आंगनबाड़ी की आई थी उस पर इनका जो है सवाल है, क्या अब नए फॉर्म भरे जाएंगे या फिर वही वाली पोस्टिंग होंगी। तो अभी संबंध में कोई भी नई जो है भर्तियां या नया फॉर्म भरने के लिए तो विभाग ने कहा नहीं है, कोई आदेश नहीं आया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पहले वाले जो फॉर्म है वो बेकार हो गए या उनको रद्द कर दिया गया, ऐसा कोई सीन नहीं है। पहले वाली प्रक्रिया अभी चल रही है, हाँ अभी चुनाव के चलते उस पर थोड़ा समय के लिए रोक टाइप की लगी थी, यानी कोई काम नहीं हो रहा था, आगे कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो अब शायद आगे कार्रवाई कभी ना कभी शुरू हो जाए। उम्मीद करते हैं विभाग इस बारे में जल्दी संज्ञान लेगा और जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, ऐसे ही प्रमोशन में भी करना चाहिए। वहीं पर बात करते हैं, रीता कुमारी बहन आती है बिहार से, उन्होंने एक मैसेज भेजा, 800 रुपया इनके अकाउंट में 4 अप्रैल को ये कल आए हैं। इन्होंने लिखा है कि जो है वैशाली वगैरह से है रीता कुमारी, ये कौन से चीज का पैसा है वो जानना चाहती है। तो ये मुझे लगता है कि ये साड़ी का पैसा है, क्योंकि कल के वीडियो में आपने देखा था बिहार से एक बहन थी जिन्होंने कहा कि उनके वहां 800 रुपया साड़ी के लिए आया है। इधर बात करते हैं, यहां पर एक मैसेज ये है, सुधांशु जी मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से खिसराहा ब्लॉक से हूं, मेरा मानदेय नवंबर माह 2021 से मार्च तक का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। कुछ लोगों का 8000 रुपया आया था, वह भी पैसा हम लोगों का नहीं आया है। तो जिनका भी ऐसा है कि नवंबर से कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है यूपी में,
तो आपका बैंक जो है वो दूसरी बैंक में मर्ज हुआ है, यानी विलय हुआ है, आपके बैंक का नाम बदल गया है, आपके बैंक का IFSC कोड बदल गया है। अब जब तक ये ऊपर DPO या ऊपर निदेशालय जहां कहीं भी जिनके स्तर से होगा, या शायद DPO का या फिर निदेशालय का, तो वहां पर फेडिंग होनी है, वो जब तक नहीं होती तब तक पैसे कैसे लग पाएंगे, तो इस बारे में आपको अपने वहां के DPO को लेटर देना चाहिए। इधर बात करते हैं, यहां पर मध्य प्रदेश की बहन है सुमन बघेल, डिडोरी से आती हैं। उन्होंने ये 4 तारीख को कल लिखा है और भेजा है, कहती है कि बहनों को पढ़ के सुनाइए। माननीय मुख्यमंत्री भाई के लिए ये एक संदेश है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए ये लाइनें बहनों ने लिखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बहना कहती रो रो के भैया को बुलाएंगे, जब जो है सहजनी पार्क में आए थे, बहनों को बताए थे मैं साथ में बैठूंगा, मैं आंदोलन करूंगा, मांग पूरी नहीं हुई तो जब राज्य में आऊंगा मांग पूरी मैं करूंगा, अब तो याद आएगी। बहना कहती रो रो के भैया को बुलाएंगे। भैया कहते बहना मैं राज्य पा गया हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे कुछ भी नहीं कहना, पर ये नहीं चलेगा, यह बात फंस गई है। अब भैया रो रहा है, मोदी को कह रहा है, पर बहने कह रही है हम लड़ रहे हैं, भैया बैठे सड़क पर तपती धूप सिर पर, अब आ रही रोवाई, अब कहती है तन्हाई, अब भैया को बुलाएंगे, बहना कहती रो रो के भैया को बुलाएंगे। ये कुछ लाइनें हैं जो मध्य प्रदेश में बहने उन्होंने लिखी हैं। ये मीडिया जो है यहाँ कबूतर, तुम जाओ लेकर लेटर, अब भैया को जगाओ, संदेश तुम सुनाओ, संदेश लेकर आओ और बहनों को बताओ, मैं जा रहा हूं बहना, अब कुछ भी नहीं कहना, मैं संदेश लेकर आऊं, सब बहनों को सुनाऊं, अब कुछ तो नहीं कहना, अब मानो मेरी बहना, अब बहना कहती रो रो के हमको कब बुलाओगे। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ आंगनबाड़ी बहनें, उनके द्वारा ये लाइनें हैं मध्य प्रदेश की बहनों के लिए जो बुलंद आवाज नारी शक्ति से आती हैं, जो धरने पर बैठी हैं, साथ ही आपके शिवराज सिंह चौहान के लिए। वही बात करते हैं, एक अगला एक लेटर आया है कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जो मध्य प्रदेश में धार जिले के हैं, उन्होंने 1 अप्रैल को ये लेटर जारी किया और कहा कि आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी के अनिश्चितकालीन हड़ताल से जुड़ा हुआ है। इसमें उनका कहना है कि लेख है कि जिले के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों की आंगनबाड़ी सहायिका मिनी 21 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, अति कम वजन के बच्चे, इनको स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा और पूरक पोषाहार जैसे संवेदनशील सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने के केंद्र की पोषण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि सही नहीं है, इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्र के संवेदनशील हितग्राही वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री, अति कम वजन के बच्चे, इनके पोषण और स्वास्थ्य को देखते हुए हड़ताल समाप्त कर केंद्रों को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। आज निर्देशित किया जाता है कि मध्य प्रदेश धार की समस्त आंगनबाड़ी सहायिका मिनी को सूचित करें कि 5 अप्रैल को अपने अपने कार्यस्थल पर तत्काल आज उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति की सूचना पर्यवेक्षक को दें। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहकामिनी उपस्थित नहीं होती है उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जानी है और इस बारे में यहां पर कार्रवाई से अवगत भी कराएं। सुभाष जैन जिला कार्यक्रम अधिकारी ने एक लेटर अपने वहां के जो है परियोजना अधिकारियों को, CDPO लोगों को धार जिले में भेजा है। उम्मीद करते हैं आपने इस लेटर को ध्यानपूर्वक सुना होगा। अब चलते हैं आगे, आपको बता दें नरसिंहपुर जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल जोरों पर है। SDM को बहनों ने यहां पर ज्ञापन दिया है, BLO के कार्य का यहां पर बहिष्कार किया है। वहां से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, जिन तस्वीरों में आप यहां पे देख सकते हो, ज्ञापन सौंपती आंगनबाड़ी बहने और ये रहा उनका ज्ञापन। वैसे तो एक बात कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी यूनियन कार्यकर्ता सहायिका संगठन की तरफ से है, लेकिन इस ज्ञापन में ज्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस साइट का ऐसा लगता है कि जो है हल्का हल्का जो धुंधला धुंधला सा, तो पढ़ने में तो दिक्कतें हैं ही, बाकी अब पता नहीं आपके SDM सर कैसे इन चीजों को पढ़ेंगे। मैंने कई बार बहनों आप सबको कहा है कि जब भी समस्याओं को दें या कुछ भी लिखें या कुछ भी किसी को भेजें, अच्छा भेजें, क्योंकि पढ़ने वाला उसको पढ़ने में उसको दिक्कत तनिक से भी नहीं होनी चाहिए, ना ही राइटिंग की, ना ही जो है वहां पर गिचपिच वाला जो सिस्टम होता है ना, वो भी नहीं होना चाहिए। तो बढ़िया साफ सुथरा होना चाहिए ताकि यहां पर उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करते हैं आगे इन चीजों का आप सब ध्यान जरूर रखेंगी ताकि आपकी समस्याएं लोगों तक जाएं और उनको पढ़ने से कोई जो एतराज ना करे। सुमन बघेल बहन डिंडोरी से आती हैं, मध्य प्रदेश से, उनके द्वारा कुछ वीडियो भेजे गए हैं, वीडियो को जल्द ही आज लगाया जाएगा। पूनम त्यागी बहन अमरोहा से आती है, उन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है और एक ये बहन आती है सीमा चौधरी जो सिवनी मध्य प्रदेश से आती है, इनके द्वारा भी अपने वहां से एक फोटो भेजी गई है। वहीं पर अगर हम बात करें यहां पर करुणा कौशल बहन इंदौर
इंदौर से आती, उन्होंने कहा कि जागो मामा जागो, इससे नारे बहनों ने प्रदर्शन में वहां पर लगाए हैं। तो ये एक जो है करुणा बहन ने अपने वहां इंदौर से जानकारी भेजी। विदिशा से जो है खबर निकली दैनिक भास्कर में, 3 तारीख को अर्जी लगाने कार्यकर्ता धूप में पिंड भरते गणेश मंदिर पहुंची। पिंड भरते का मतलब काफी लोग शायद जानते होंगे, दंडवत जो किया जाता है ना मंदिर के सामने, जो जो लेट लेट करके लोग चलते रहते हैं, वैसे ही तरह से बहनों ने वहां पर तपती धूप में ये विदिशा में बहनों ने किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की अनिश्चितकालीन हड़ताल 24वें दिन भी जारी है। शनिवार को ये सभी कार्यकर्ता ने धरना स्थल नीमताल में बाढ़ वाले गणेश मंदिर तक पदयात्रा निकाली। तपती धूप में दोपहर 1:15 बजे से पैदल रैली के रूप में कार्यकर्ता रंगई स्थित बाढ़ वाले गणेश मंदिर पहुंची। यहां पर कार्यकर्ता ने पिंड भरते हुए मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में पहुंच करके कार्यकर्ता ने अपना मांग पत्र भगवान गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष रखा है। सीएम द्वारा मांग पूरी नहीं किए जाने पर कार्यकर्ता ने भगवान गणेश से ज्ञापन के लिए अर्जी लगाई। संगठन के अध्यक्ष मिथिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार को अनुसूचित जाति आयोग सदस्य राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदीप अहिरवार नीमताल से गुजरते हुए गांधी चौक पर पंडाल देख करके अचानक रुक गए। इसके बाद आयोग सदस्य अहिरवार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के धरना स्थल पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ता से आंदोलन और उनकी मांगों के संबंध में जानकारी ली, साथ ही मांग पत्र भी देखा। आयोग सदस्य ने आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को आश्वासन दिया है कि वे मुख्यमंत्री के समक्ष उनकी जायज मांगों को पूरी कराने के लिए जो है वहां पर पूरा कराने के लिए जो रखेंगे। तो देखते हैं वो वहां पर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, बहनों का उसी चीज का इंतजार है। सीमा चौधरी बहन ने जानकारी भेजी है, बहन को धन्यवाद। वहीं पर बात करते हैं, एक और जानकारी आ रही है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण जो है वो कल से स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर बात करें, अगर प्रतापगढ़ में एक खबर निकली है, जीवन रक्षक टीम के वंचित जिले, वहां के 0 से 2 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, लगभग 15,204 बच्चे हैं, 3,604 गर्भवती महिलाएं हैं, इनको स्वास्थ्य विभाग सोमवार से अभियान के तहत टीका लगाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं 4 से 11 अप्रैल तक घर घर जाकर के टीकाकरण करेंगी। तो कल 4 अप्रैल तक, कल से ये शुरू हो चुका है। कोरोना संक्रमण के दौरान जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से 0 से 2 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनको जीवन रक्षक टीका नहीं लगाया जा रहा सका है। संक्रमण का प्रभाव कम होने इसके बाद में विभाग ऐसी गर्भवती महिलाएं और बच्चों को चिन्हित किया है जिन्हें जीवन रक्षक टीकाकरण नहीं लगाया गया है। अब इनका 4 से 11 वर्ष अप्रैल तक के टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, इन रोगों से इनको बचाएगा जीवन रक्षक टीका। इसके बारे में जानकारी आ रही है कि यहां पर 12 घातक बीमारियों से बचाएगा, जैसे कि टीबी है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, डिप्थेरिया है, निमोनिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, गला गोटू है, मिजिल्स है, रुबेला है, जापानी इंसेफेलाइटिस है, इस तरह की प्रमुख जो बीमारियां हैं इनसे आपको बचाएगा। वहीं आशा एनएम की रिपोर्ट पर पहुंचेगी टीम, एक इस तरह से भी खबर प्रकाशित हुई है। ये उन्नाव में निकली है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। यहां पर बताया जा रहा है कि जिले में शनिवार से शुरू संचारी रोग नियंत्रण अभियान में आशा एएनएम घर घर जाकर के दिमागी बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया और 6 रोगों की पहचान करेंगी। आशा की रिपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीज तक पहुंचेगी, घर पर मरीज जो है इलाज उसको मिल सकेगा, जरूरत पड़े तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में 285 एएनएम और 2,665 आशा कार्यकर्ता को घर घर जाकर के मरीजों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं और फार्मेट पर मरीज का ब्यौरा भी वो भरेंगी और दिन में जो अगर बुखार आ रहा है तो उसकी सूचना भी संबंधित सीएचसी और पीएचसी को वो देंगी, जिसके बाद में मेडिकल टीम मरीज की जांच करेगी। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलने वाला है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभागों द्वारा भी संचारी रोग की रोकथाम के लिए गतिविधियां आयोजित कराई जा रही है। शुरू हुआ है सफाई अभियान संचारी रोग को लेकर के, तो इस तरह से जानकारियां आ रही हैं। अब आगे देखेगा यहां पर क्या होता है। वहीं पर आगे आपको बताना चाहेंगे, बाल विकास पुष्टाहार की आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता ये सब मिलकर के घर घर जाकर के दिमागी बुखार के रोगियों का अपना आंकड़ा तैयार करेंगी, कुछ इस तरीके से जानकारी उन्नाव से आ रही है। वहीं पर पाली जो है भास्कर में कि यहाँ पर जानकारी निकल के आ रही है कि चीटी चंड पर निकली है शोभा यात्रा, पहली बार बालिकाओं ने दिखाया है कर्तव्य। तो ये यहाँ पर जो पाली पड़ता होगा क्षेत्र, वहीं से जानकारी आ रही है। शोभा यात्रा निकाली गई थी, महिलाओं और बच्चियों की तलवारबाजी और जो है लठबाजी वहां पर आकर्षण रही है, इस तरह से जानकारियां यहाँ पर निकल के आ रही हैं। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे, चेटी चंड के अवसर पर सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल में से जो है वहां पर विश्व में शांति समृद्धि, कोविड की जो है समाप्ति और आपसी भाईचारे की प्रार्थना के लिए शोभा यात्रा दरअसल यहां पर निकाली गई थी, ऐसी जानकारियां यहां पे आ रही हैं। वहीं पर बात करते हैं, मैन की वंदना सिंह गाजीपुर से आती है और ये बहनें सरोज सिंह गाजियाबासी आती है, इनको पोषण पखवाड़े के तहत सम्मानित किया गया पत्र मिला है। और साथ ही गायत्री बहन आजमगढ़ से आती है, इनके द्वारा वहां से फोटो भेजी गई है। और ये है यहाँ पर बलेश गौतम जो कहां से आती है उन्होंने इसके बारे में नहीं लिखा है। इधर बात करते हैं, इनकी एक तस्वीर यहाँ पे आई है, तो अगली बार अपना नाम और जिले का नाम जरूर बताना। सावित्री पांडे गुंडा से आती है, उनके द्वारा यहाँ पर एक फोटो भेजी गई है। तो आज के लिए इतने रखते हैं सुबह के लिए, और अगले वीडियो में सुबह 10 बजे आपको फिर